हेलो, गुड आफ्टरनून, सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, IVF एक्सपर्ट। आप लोगों को कोरोना के बारे में कुछ हिदायतें बताना चाहती हूँ कि कोरोना अभी इतनी तेज़ी से फैल रहा है और हम सबको अभी कोरोना के साथ ही जीना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी अगले तीन चार महीने तक कोविड हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वैक्सीन्स बन गई हैं, ज़रूर ट्रायल्स पे भी हैं, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुई हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा और वो कितनी एफिकेसी के साथ आएगा ये बताना भी बहुत मुश्किल है। डॉक्टर हूँ इसलिए सारी जानकारी रखती हूँ। मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहूँगी कि विटामिन सी आप लोग ज़रूर खाएँ, जिंक खाएँ, और एक अश्वगंधा आता है और गुलेठी आता है, वो टैबलेट्स भी आप ज़रूर लें। टैबलेट आइवरमेक्टिन एक आता है, वो भी आप ज़रूर लें। ये सारे टैबलेट्स हार्मलेस हैं, आप आराम से इनको रोज़ ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन जो है वो 12 मिलीग्राम सिर्फ दो टैबलेट लें, सुबह दो बार लें, एक आज लिया तो दूसरा कल लेना है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, 3 फीट की दूरी से बात करें, मास्क लगा के रखें। और अभी आप ये समझें कि हर्ड इम्यूनिटी फैल गई है, यानी कि जो भी मरीज़ कोविड से रिकवर हो जाता है तो रिकवर होने के बाद उनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती हैं उनको निकाल के जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं और रिकवर नहीं कर पा रहे, अगर हम उनको ब्लड प्लाज्मा देते हैं तो वो वैक्सीन की तरह ही काम करती है, लाइव वैक्सीन की तरह। तो इस वजह से जो भी लोग अपने आप को कोविड से रिकवर कर रहे हैं वो अपना नाम और अपने आप को ज़रूर आगे बढ़े, सीमांचल के लोगों से मैं कहना चाहूँगी, ताकि जो वृद्धा लोग या बच्चे लोग अगर कोविड से ग्रसित हैं और नहीं ठीक हो पा रहे हैं तो वो उनके प्लाज्मा से वो ठीक हो सकते हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, क्योंकि वेंटिलेटर वगैरह हमारे यहाँ थोड़ी कमी है, हम जिस जगह पर रहते हैं तो स्वास्थ्य में के क्षेत्र में थोड़ी कमी है, उनको मैं कहना चाहूँगी अगर ज़्यादा परेशानी नहीं है तो आप घर पे ही होम क्वारंटाइन पे रहें और जो दवाइयाँ मैंने बताई हैं वो आप लें। शुक्रिया।